introduction to e-commerce inside, we learn about section number 6. We already completed 4 application and website list of the e-commerce. What is the difference of traditional e-commerce and e-commerce, and most important point, advantage and limitation of the e-commerce. Next point, 4.5, what is the e-commerce model and type and use it. उसमें जो सबसे फर्स्ट है ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल है टोटल 4 और ई कॉमर्स के गवर्नमेंट मॉडल है टोटल 3. हम सबसे फर्स्ट सेक्शन नंबर 6 के इनसाइड ई कॉमर्स के मॉडल के बारे में क्लैरिफाई करेंगे. उसके अंदर भी सब कैटेगरी जो इस मेन इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस मॉडल, और 4 मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे. उसमें जो 3 है वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, सेक्शन नंबर 7 के अंदर. लेट अस स्टार्ट फॉर सबसे फर्स्ट हमने लास्ट सेक्शन के इंसर्ट सेशन नंबर 5 के अंदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ई-कॉमर्स लर्न किया, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ द ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बारे में क्लैरिफाई करेंगे. ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल के इंसर्ट द बिजनेस मॉडल एंड ई-कॉमर्स आर डिफाइंड द लिटिल बिट पार्टीशन. जैसे इसके इंसर्ट लॉट्स ऑफ सर्विस के बारे में हमको यहां पे क्लैरिफाई करना है. आप लोग इसे सर्विस मींस व्हाट, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है B2B means businessman to businessman, B2C businessman to consumer, customer, C2B consumer to businessman and C2C. ये सब एक्स्ट्रा सर्विस है, उसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे. यहाँ पे जो बिजनेस की एक्टिविटी है हो सकती है वो प्रोडक्ट का बाय और सेल के बीच में हो, अदरवाइज सर्विस के बीच में भी हो सकती है. तो यहाँ पे ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल में क्लैरिफाई करेंगे. लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट पॉइंट, e-commerce business model. जैसे मैंने आपको पहले ही inform कर दिया, generally the classification of the business model main क्या होगा, who is selling to whom, ये major उसके ऊपर depend है. और total कितने हैं, 4. First one, business to consumer, B2C बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, note down कर दीजिए ना, important point है. Next, business to business, उसको क्या बोला जाता है, B2B. थर्ड वन, उसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है. C2C मींस व्हाट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. एंड फोर्थ, कंज्यूमर टू बिजनेस. ओके, प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये e-commerce के बिजनेस मॉडल है. आपको वाइवा या MCQ के अंदर पूछा e-commerce के बिजनेस मॉडल कितने हैं, 4. ओनली फॉर ऐसा पूछा बिजनेस मॉडल कितने हैं, तो टोटल आंसर आएगा 7. कैसे वो मैं क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस का ही इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट के मॉडल के बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर. देखिए बट e-commerce के अंदर बिजनेस मॉडल में ही जैसे आगे वाले बिजनेस मॉडल थे टोटल 4, इसके अलावा गवर्नमेंट मॉडल भी अवेलेबल है जिसमें गवर्नमेंट एंड सिटीजन भी अवेलेबल है. जिसमें से फर्स्ट G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन. सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन. यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ का सी का मीनिंग होता है सिटीजन, नॉट अ कंज्यूमर. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगेन रिवाइज कर लेते हैं, G2B, यस गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन. आपको अभी यहाँ पे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं होगा, जैसे हम टॉपिक स्टडी करते जाएंगे यहाँ पे क्लैरिफाई और भी समझ में आने लगेगा. देखिए एग्जांपल, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C. इसके अंदर पॉइंट के अंदर हमने ये क्लैरिफाई किया, बिजनेस टू कंज्यूमर रिफर द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस. यहाँ पे एक पॉइंट क्लैरिफाई करना है, जैसे B2C के इनसाइड एक साइड बिजनेसमैन है, अनदर साइड कंज्यूमर है मींस कस्टमर है. तो इन बिटवीन यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है दोनों को मिलाने के लिए, और उसके लिए आपको पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट यूजिंग वेबसाइट. हम यहाँ पे वेबसाइट के बारे में क्लैरिफाई करेंगे. इसके लिए आपको जब पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर पूरी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए बोला था, और वो था किसका, ई कॉमर्स का.
तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दोनों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कैसे आपको क्लैरिफाई करते हैं, कंज्यूमर फ्रॉम द एनीवेयर कैन ब्राउज एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस एनी टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल दें, B2B के इनसाइड द सेलर कैन सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर एंड बायर आर इंडिविजुअल कस्टमर। मीन्स जैसे एग्जाम्पल टू, सेलर पर्सन एक ही जगह पे प्रोडक्ट को अपलोड करेगा और वेराइटी और लॉट्स ऑफ उसको कस्टमर कंज्यूमर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे दोनों वर्ड यूज करूंगा, कस्टमर एंड कंज्यूमर, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर भी इसके जैसे ही, यहाँ पे कस्टमर को क्या बेनिफिट है और सेलर पर्सन को क्या बेनिफिट है। जैसे कस्टमर को क्या बेनिफिट है, उसको न्यू प्रोडक्ट लॉट्स ऑफ वेराइटी में मिल जाएगी जिसका आप कंपेयर कर सकते हो, और कस्टमर को यही बेनिफिट चाहिए। सेलर पर्सन को क्या बेनिफिट होगा, उसको कोई जियोग्राफी की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में उसकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकता है, और वो भी सिंपली एंड फास्ट मेथड से प्रोडक्ट को बाय करने के लिए भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है। जो पॉइंट है वो आप अपनी नोटबुक के इनसाइड नोट डाउन करते जाना, दैट इज इम्पॉर्टेंट है। B2C के इनसाइड और भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, यहाँ पे B2C के इनसाइड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लैरिफाई करूँ, ऑनलाइन रिटेलिंग, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बल्क में नहीं मिलता, रिटेलर के अंदर होता है। एग्जाम्पल ऑनलाइन बैंकिंग, रिटेल एस्टेट एंड सर्विसिंग, ट्रैवलिंग सर्विस है, मैनी मोर, वो सब कौन सी कैटेगरी में आता है, B2C के अंदर आता है। B2C के एक एग्जाम्पल है जैसे Amazon, Rediff, FabMart एंड Flipkart, ये सब कौन सी कैटेगरी में आता है, B2C। प्लीज अगेन ये आपको इन्फॉर्म करवाओ, आप ये पॉइंट नोट डाउन करते जाना। Amazon आपने पहले कहाँ पे लर्न किया था, ऑनलाइन बुक शॉप की कैटेगरी में भी, एज वेल एज वो B2C के अंदर भी आता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। अगेन रिवाइज कर लेते हैं, B2C के इनसाइड रिटेलर को ही अलाउड है, बल्क को अलाउड नहीं है। उसकी वेबसाइट का लिस्ट है amazon.com, Rediff, FabMart एंड Flipkart। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया, जैसे ई कॉमर्स के वेबसाइट का यूज करके आप Flipkart में से आप ऑनलाइन ई बुक मंगवा सकते हो, तो 1 ई बुक मंगवा सकते हो, 2 बुक, 3 बुक, बल्क में 12 या 25 समथिंग बुक ऑनलाइन नहीं मंगवा सकते, वो B2C की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जिसे आपको बुक परचेस करना है तो आपको ऑनलाइन आइकॉन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ डिटेल मिलेगी। कैसे, जैसे मैंने आपको इसके लिए प्रैक्टिकल पार्ट 1 के अंदर ही आपको क्लैरिफाई करवा दे, ऑथर नेम, बुक का जब शॉपिंग करते हो उसकी प्राइस, रीडर बुक के रिव्यू जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पब्लिशर के नेम और ISB। अभी ये आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, गूगल में जाके जितनी भी ऑनलाइन बुक सेल करते हैं उसमें ISBN क्या होता है उसका फुल फॉर्म फाइंड आउट कर लो। ओके, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऑनलाइन बुक परचेस करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड एक मार्क हो है, नंबर सिस्टम है, पर आप एक बार आइडेंटिफाई करके ये क्लैरिफाई कर लेना। ओके, अदरवाइज रेफरेंस बुक में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, यू कैन डिलीट एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट, चेंज द क्वांटिटी टू द प्रोडक्ट इन योर शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द शॉपिंग कार्ट। ओके, इसके अंदर क्या होता है शॉपिंग कार्ट के अंदर, जैसे मैंने प्रोडक्ट अभी मुझको अच्छा लग रहा है, मैंने शॉपिंग भी कर लिया, शॉपिंग कंप्लीट होने के टाइम आप देख रहे हो, जैसे बिलिंग करने के टाइम मालूम पड़ा कि इसमें तो ये प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं है, डोंट वरी, आप वो जो आपने परचेस किया हुआ था, आपने कन्फर्म किया था, उसको आप डिलीट कर सकते हो, अनसिलेक्ट भी कर सकते हो, क्वांटिटी को आप प्लस माइनस भी कर सकते हो। शॉपिंग कार्ट के अंदर ये फैसिलिटी है, जिसमें स्मॉल ट्रॉली जैसा सिंबल मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर क्लैरिफाई किया था। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आप ऑर्डर कंफर्म करवाते हो ई कॉमर्स के अंदर, वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगी, तो ये हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर। अगेन मैं इसके अंदर पॉइंट क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, B2C के इनसाइड न्यू प्रोडक्ट सेल होगी, रिटेलर को ये अलाउड है, और उसकी वेबसाइट के नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है B2B, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। यहाँ पे B2B के अंदर भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, पर दोनों साइड क्या होना चाहिए, दोनों यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है, दोनों साइड क्या है, बिजनेस पार्टनर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड।
प्लीज ये जो पॉइंट हाईलाइट करवा रहा हूँ और लास्ट में जो मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको की पॉइंट दे रहा हूँ वो आपके माइंड में सेट करना, ये वाइवा और एमसीक्यू के इनसाइड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द बी टू बी बोथ द सेलर एंड बायर आर बिजनेस एंटिटी। यहाँ पे कोई कंज्यूमर तो है ही नहीं, यहाँ पे कौन है, एक साइड भी बिजनेसमैन है दूसरी साइड भी बिजनेसमैन। आगे वाले में क्या था, एक साइड बिजनेसमैन था दूसरी साइड क्या था, कंज्यूमर था, उसको Amazon, Flipkart, Flipmart प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था, राइट है, और पूरे वर्ल्ड में वेबसाइट का यूज करके वो परचेस कर रहा था। यहाँ पे दोनों साइड क्या है, बिजनेस एंटिटी है, दोनों साइड बिजनेसमैन है। थर्ड पॉइंट, इट इज इनेबल द बिजनेस फ्रॉम द ई रिलेशनशिप विद देयर सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट। जैसे सप्लायर की सीक्वेंस जो साइकिल बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर लाइक फ्रेंचाइजी या एजेंट, ओके, ये टाइप का बिजनेस हो वो मोस्टली कौन सी कैटेगरी में आता है, बी टू बी की कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पे दोनों साइड बिजनेसमैन को ही अलाउड है, यहाँ पे कंज्यूमर को अलाउड नहीं है, यहाँ पे बल्क में बाय और सेल किया जाता है। बी टू के अंदर और भी है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है और इससे रिजल्ट आपको मोर इफेक्टिव मिलता है। उसका बेस एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल दूं, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला पर्सन हूँ, मैं डायरेक्टली जो हाई बल्क में परचेस करने वाला सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल के पर्सन को वो प्रोडक्ट में सेल कर देता हूँ, जिसमें कस्टमर नहीं है, इन बिटवीन कंज्यूमर नहीं आता। बी टू बी के इनसाइड तो आपको ये भी पॉइंट क्लैरिफाई करना होगा, इसके अंदर कंज्यूमर को अलाउड नहीं है। ये पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, बी टू बी के इनसाइड और भी क्लैरिफाई करते हैं, इसमें इंप्रूव द इफेक्टिव द कॉमन एग्रीमेंट। कॉमन एग्रीमेंट इसमें ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं क्योंकि दोनों साइड बिजनेसमैन है, राइट है, इसमें आपको प्रोडक्ट क्रेडिट पे नहीं देना है, पेमेंट ऑन टाइम पे आ जाएगा, प्रॉपरली साइकिल मेंटेन होती है, राइट। अभी इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है, बी टू बी के अंदर क्या होता है, मैनेजिंग द टैली मार्केटिंग, आप टेलीफोन से मार्केटिंग कर सकते हो, सप्लाई और चेन प्रॉपरली क्लैरिफाई कर सकते हो आप लोग, सर यहाँ पे चेन मीन्स व्हाट, ओके, मीन्स आप फ्रेंचाइजी आप देखिए, ओके, मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी वो कौन से थे, दोनों से बिजनेसमैन है और वो जब डील डन करते हैं, ओके, वहाँ पे बिजनेसमैन का इम्पोर्टेंट होता है, तो ये कैटेगरी भी इम्पोर्टेंट है। जस्ट इन टाइम डिलीवरी, राइट, ऑनलाइन सर्विस, वो सब लोअर कॉस्ट के अंदर और पूरा सा पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। बी टू बी के अंदर कौन सा पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे बल्क में प्रोडक्ट बाय और सेल किया जाता है, वहाँ पे कंज्यूमर को अलाउड नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड कौन सा है, बिजनेस एंटिटी है। उसका बेस एग्जांपल है commodity.com और tradeindia.com, ये दोनों यहाँ पे देख रहे हो, दोनों बिजनेसमैन मैंने ग्राफ दिया है, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये पर्सन ऑलरेडी टॉप पे था, उसके साथ ये बिजनेसमैन डील करके दोनों का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये वेबसाइट दोनों नोट डाउन कर लेना, बी टू बी में कौन सा आएगा, कॉमोडिटी एंड tradeindia.com। उसके एग्जांपल भी मैंने दिए दिया है, यहाँ पे देखें बी टू बी के अंदर उसकी ऐसी वेबसाइट है .com की, और आप देखोगे यहाँ पे ओनली फॉर आपको किसको अलाउड है, बिजनेसमैन को अलाउड है, कस्टमर को अलाउड नहीं है, ओके। नेक्स्ट tradeindia.com मैंने ट्राई किया है एज सून पॉसिबल, एटलीस्ट पूरा जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया है, जो अभी मार्केट में पॉपुलर है इंडिया के अंदर tradeindia है। ये दोनों किसके कैटेगरी में आते हैं, बी टू बी के अंदर। नेक्स्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ओके, अभी देखिए यहाँ पे बिजनेसमैन को अलाउड नहीं है, बी टू बी के अंदर किसको अलाउड नहीं था, कंज्यूमर को अलाउड नहीं था। सेम सी टू सी के अंदर किसको अलाउड नहीं है, बिजनेसमैन को अलाउड नहीं है, तो दोनों से अपोज है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर हम थर्ड मॉडल के अंदर क्लैरिफाई करेंगे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट है, ट्रांजेक्शन बिटवीन अमंग द कंज्यूमर, यहाँ पे थर्ड बिजनेसमैन पर्सन को अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड टू बिजनेसमैन। दोनों साइड कौन है, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। नहीं समझ में क्लैरिफाई करवा दो, जितनी भी ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट है, ऑनलाइन ऑक्शन की वेबसाइट में क्या होता है, वन साइड सेकंड प्रोडक्ट सेल करना चाहता है और उसके अपोज में सेकंड
प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। दोनों साइड कंज्यूमर है, यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं है। जो हमारे यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? सी टू सी, विदाउट इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स व्हाट? बिजनेसमैन। एक साइड प्रोडक्ट जो सेकेंड हैंड है वो सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, और उसके अपोज में क्या होगा, जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है वो बाय करने में इंटरेस्ट है। ओके, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट नहीं होती है। लास्ट में उसका मैं एक की पॉइंट दूंगा। सी टू सी के इनसाइड आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू वेंडर अवेलेबल होते हैं, उसमें कोई कमीशन नहीं होता। लिटिल बिट एग्जाम्पल्स होते हैं, ऑक्शन जितनी भी वेबसाइट है वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? सी टू सी का बेस्ट एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया। उसमें सबसे फर्स्ट कौन सा है? ebay.com, सेकेंड वन OLX, ये फेमस वेबसाइट का इन्फॉर्म मैं कर रहा हूँ और बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके अलावा अभी मार्केट में लॉट है, बट रेफरेंस बुक को रिफर करना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रेफरेंस बुक को देना है। उसके बाद उसके अलावा जितने भी मॉडल के बारे में आपको स्टडी करना हो तो स्टडी कर सकते हो। ईबे, OLX, क्विकर, ये थ्री कौन सी कैटेगरी में आता है? सी टू सी के अंदर आता है। नेक्स्ट उसके एग्जाम्पल के बारे में आपको क्लैरिफाई कर दूं। सी टू सी, ebay.com, ये हमने कहाँ पे लर्न किया था? जब हमने पॉइंट कौन सा लर्न किया था? ऑनलाइन ऑक्शन ई कॉमर्स के एप्लीकेशन के अंदर। ये वापस रिपीट हो रहा है, बट हम यहाँ पे क्या किसके लिए लर्न कर रहे हैं? किसके लिए? यस, ओके, कौन सी कैटेगरी में आता है? सी टू सी। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? OLX, देख रहा हूँ यहाँ पे OLX का भी कैटेगरी पॉइंट क्लैरिफाई कर चुके हैं। यहाँ पे किस में होगा? सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल और बाय करने के लिए। लास्ट वन सी टू सी मीन्स quicker.com, हमने उसका एडवर्टाइज भी देखा है, मार्केटिंग करते हुए देखा हुआ है, तो ये क्विकर का वेबसाइट है, यहाँ पे क्लैरिफाई किया। सेशन नंबर 6 के इनसाइड हमने आज क्या लर्न किया? ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल, कितने बिजनेस मॉडल है टोटल रिकॉल कर दो, बिजनेस मॉडल कितने हैं? 4, कौन से? बी टू सी का फुल फॉर्म, वेरी गुड, बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेसमैन, सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड लास्ट वन सी टू बी, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लर्न करने वाले हैं। यहाँ तक हम सी टू सी तक स्टॉप कर देते हैं। उसके अलावा हमने गवर्नमेंट मॉडल भी लर्न किया था, याद है आपको? कौन से गवर्नमेंट मॉडल है? जी टू बी, जी टू बी का फुल फॉर्म, वेरी गुड, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, जी टू सी का क्या है बोल लिया अभी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, मिस्टेक मत करना। सी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? सिटीजन, एंड लास्ट वन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये जो लास्ट मॉडल बिजनेस का फोर्थ मॉडल एज वेल एज गवर्नमेंट के जो रिमेनिंग 3 मॉडल है वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लर्न करने वाले हैं। ओके, आई होप सो कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।